इस गांव के अंदर कुछ इस तरीके से छुपी हुई है कि आज तक हम लोगों की नज़रों से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। और जंगलों के बीच में से हम लोगों को निकलना है आगे की तरफ, और इसके अंदर बना हुआ एक ऐसा रहस्यमय कुआं, जिस कुएं को ढूंढते ढूंढते हम लोग एक ऐसे कस्बे में आ पहुंचे जिसका इतिहास अपने आप को जानने के लिए आज बेचैन है। और जब हम इस जगह पर पहुंचे तो हमने पहली बार एक ऐसे कुएं के अंदर समय में, जब कभी भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो उस समय के राजा महाराजा और बादशाह अक्सर लोगों के रुकने के लिए एक ऐसी चौपाड़ बनवाते थे जिस चौपाड़ के निशान और जिस चौपाड़ की थोड़ी सी बनावट आज भी हम लोगों को खंडर के बीच में मौजूद दिखाई दे रही है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं दिल्ली से आ पहुँचा हूँ हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे कस्बे में जिसको कहा जाता है महम चौबीसी। और यहाँ पर हम लोगों को आज एक बहुत ज़्यादा खस्ता हालत के अंदर प्राचीन समय की एक ऐसी स्थान निवास जगह दिखाई दी है जो आज आप लोगों के समक्ष दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले यदि आप इसके नीचे वाले हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पर इसका चकोर यानी कि चतुर्भुजीय एक इसका पैटर्न बनाया गया है, और इसी के ऊपर की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक गुंबद बनाई गई है। इसका जो रंग है वो ब्लैक इसी वजह से हो गया है क्योंकि काफ़ी साल बीत चुके हैं, गर्मी सर्दी और अलग अलग मौसम की वजह से इसकी जो कंडीशन है वो आज ऐसी हो चुकी है। आइए मैं आपको थोड़ा सा इधर का व्यू दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को इसके अंदर का रास्ता दिखाई दिया है, और इसी रास्ते के इधर वाले हिस्से में देखिए आप, हम लोगों को पतली ईंटें दिखाई दे रही है, और यहाँ पर पूरे का पूरा लाइम स्टोन इस्तेमाल किया गया था। इसकी जो दीवारें हैं ये तकरीबन ये 2-2.5 फुट के आसपास हैं, और अंदर की तरफ आने पर हम लोगों को इसका जो अंदर का पूरा व्यू है जिसमें से यहाँ पर एक आला बना हुआ है, ये आला रोशनी के लिए प्रयोग में लाया जाता होगा, और इधर किसी समय एक गेट रहा होगा बाहर जाने के लिए जो कि वर्तमान में बंद कर दिया गया है। इधर भी देख सकते हैं आप, ऊपर की तरफ यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को दीवार के साथ साथ में एक काफ़ी अच्छा डिज़ाइन जो उस समय प्रमुख रहा होगा वो प्रयोग किया गया है। इसी के साथ में ऊपर वाले हिस्से में ये देखिए आप, और इसका जो ये गेट है, इस गेट में आपको देखिए मैं एक बहुत प्रमुख चीज दिखाना चाहता हूँ। इस गेट के बिल्कुल इस कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ पे हम लोगों को एक ये पत्थर दिख रहा है, देखिए ऊपर से कैसा दिखता है, ये होल है यहाँ पे, और ये सारे का सारा हिस्सा यहाँ पे जंगल में है। इसका कुछ अंश यहाँ पर भी बना हुआ है जो आज झाड़ियों में दब चुका है, और राहगीरों के लिए एक समय पहले ये आराम स्थान चौपाल हुआ करती थी। इतिहास के पन्ने पलटने पर हमें इस जगह का जो वर्णन है वो सीधे तौर पर बाबर कालीन मिलता है। इस चीज़ के कुछ सबूत हम लोग जाएंगे उस कुएं की तरफ जो इसी के साथ में बनाया गया था उन राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए, जो आज भी मौजूद है, और उसको देखने के बाद में हम उस प्राचीन समय के इतिहास को अच्छे तरीके से आज खंगाल पाएंगे। वर्तमान में ये वाला जो स्थान है वो स्थानीय निवासी प्रयोग में ला रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। देखिए यहाँ पर भी वही ईंटें इस्तेमाल की गई हैं जो अंदर हम लोगों ने देखी हैं। ये पूरा बाहर का व्यू है यहाँ पे। तो ये जो जगह है ये इस गांव के अंदर कुछ इस तरीके से छुपी हुई है कि आज तक हम लोगों की नज़रों से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। तो हम चलते हैं अभी उस प्राचीन कुएं की तरफ, जो कुआं काफ़ी ज़्यादा देखने में रहस्यमय अपने आप में लगता है, उस चीज़ के सबूत आज आप खुद देखेंगे उस कुएं के साथ वाले स्थान पर। यहाँ से मेन रोड का रास्ता ये, और ये देखिए बिल्कुल पतली गांव की गलियों के बीच में से गुजरकर हमें जाना पड़ेगा उस कुएं की तरफ में। सबसे पहली बात तो जो गांव का दृश्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा लुभावना होता है,
और अगर इसी दृश्य के अंदर हम लोगों को वो प्राचीन चीजें मिले तो वो और भी ज्यादा हम लोगों को आकर्षित करती हैं अपनी ओर। इसी चीज की खोज में आज हम जब अपने घर से निकले तो हम लोगों ने आज सबसे पहले सोचा कि एक ऐसा पॉइंट कवर करेंगे जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। यहाँ पर एक कुआं बनाया गया है। अब ये कुआं किस तरीके से प्राचीन है वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बनी हुई इन ईंटों से आप आइडिया लगा सकते हैं। उसी के जैसी यहाँ पर भी ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। ऊपर वाले हिस्से में हम लोग कह सकते हैं कि वर्तमान समय में यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा इन ईंटों को बदलकर बड़ी ईंटें लगा दी गई हैं, लेकिन नीचे आज भी उस ईंटों को देखा जा सकता है। ये है इस पूरे कुएं का दृश्य, आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी आसपास के गांव के लोग पानी की अपनी व्यवस्था को पूरा किया करते थे, लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है वो दूसरे कुएं की तरफ है जो सीधे तौर पर उस वाले चौपाट से संबंधित बना हुआ है। और जंगलों के बीच में से हम लोगों को निकलना है आगे की तरफ। इन जंगलों से निकलने के बाद में अंत में हम लोग उस स्थान पर आ ही पहुंचे जिस स्थान का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रहस्यमय कुएं के बारे में बताने जा रहा हूं जिस कुएं को देखने के बाद में, उसकी बाहरी आकृति को देखने के बाद में आप लोग खुद कहेंगे कि ये वाला जो कुआं है वो किस तरीके से बनाया गया था और आज इस अलग अवस्था में क्यों दिखाई दे रहा है। आप लोगों को बता दूं, इस स्थान के पास में ही बड़ा ग्राउंड है और इसी ग्राउंड के एक कॉर्नर पर इस प्रकार का ये यहाँ पे हिस्सा देखिए, पत्थरों को कैसे रखा गया है बिना किसी सिमेट्री के, अंदर रेत डाली गई है इसको मजबूती देने के लिए। और आइए मैं आपको इसका बिल्कुल फ्रंट गेट दिखाता हूँ। इस गेट के नीचे और ऊपर वाले हिस्से में काफ़ी फर्क है। पहले नीचे वाले हिस्से के अंदर देखेंगे हम लोग, ईंटें थोड़ी ज़्यादा चौड़ी प्रयोग में की गई हैं और अंदर की तरफ भरा गया चूना पत्थर। यहाँ पर एक पत्थर लगाया हुआ है जिस पे सफ़ेद रंग से कुछ डिटेल लिखी गई है और इस पत्थर की डिटेल को देखकर तो हम सिर्फ इतना आइडिया लगा पा रहे हैं कि ये जो जगह है ये लगभग 1330 और 35 और 1420 तीन तिथि यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके ऊपर वाले हिस्से में जो गुंबद के वहाँ पे ईंटों का प्रयोग किया गया दोस्तों वो बिल्कुल पतली ईंटें हैं और दोनों ईंटों में काफ़ी फर्क है, ऊपर पतली ईंटें और यहाँ पर चौड़ी ईंटें। ये काफ़ी ज़्यादा एक रहस्यमयी बात है। इस चीज़ का सही तरीके से जानकारी प्राप्त कर पाना काफ़ी कठिन कार्य है और ये बात हमें भी नहीं पता लग पाई कि ये एग्जैक्ट तरीके से बाबरकालीन है, हुमायूँकालीन है या अकबरकालीन है। लेकिन ये जो चीज़ है तकरीबन बताई जाती है आज से 500 से 800 साल के बीच में। और इसके अंदर बना हुआ एक ऐसा रहस्यमय कुआं जिस कुएं को आज आप यदि देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि कमरे के अंदर एक कुआं कैसे बन सकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंदर आने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर एक कुआं दिखाई देगा, बाहर निकली हुई कुछ ये ईंटें और अंदर की तरफ बना हुआ तकरीबन 20 से 30 फुट गहरा कुआं। आज इसके अंदर काफ़ी गंद गिरा हुआ है लेकिन अंदर की तरफ हम लोगों को कुछ चमगादड़ उड़ते दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ साथ में जो ईंटें यहाँ पे प्रयोग की गई थी वो सारी की सारी पतली ईंटें हैं। ये सामने की तरफ देखिए ईंटों को किस तरीके से अलग अलग डिजाइन देकर ये बनाया गया है और कुछ कुछ ईंटें बाहर निकालकर इसको एक अलग डिजाइन दिया गया था जो साफ तौर पर काफी प्राचीन समय की एक वास्तुकला को, आर्किटेक्चर को दिखा रहा है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं बनाया गया है ये, और ये पूरे की पूरी जो फॉर्म है नीचे से बनी हुई है, ये फोर यानी कि क्वाड्रिक फॉर्म में बनी हुई है और ऊपर की तरफ आप इन ईंटों को देखो कितनी महीन तरीके से इन ईंटों की सिमेट्री को जचाया गया है। इन दीवारों के अंदर बनी हुए खिड़की नुमा आप ये डिजाइन देखिए, ये इसकी सुंदरता को और उस समय की अज्ञात इतिहास को आज हमारे सामने पेश कर रहे हैं। इस पूरी चीज के अंदर यहां पर आप लोग देखिए, इस चीज को देखने पर एक महसूस होता है कि किसी समय ये एक गेट रहा होगा, द्वार रहा होगा, या फिर जो लोग यहाँ पर आते थे
उन लोगों को पानी की व्यवस्था पूरे होने के बाद में यहाँ पे विश्राम किया करते थे। एक ऐसी रहस्यमय जगह जिसका इतिहास भी आज अपने आप को जानने के लिए बेचैन है और चौपाल की तरफ लेकर आ गई जो अभी तक हमारी नजरों से बहुत ज्यादा अज्ञात था। पहली बार हमने किसी ऐसी वीडियो के अंदर एक चौपाल के अंदर बना हुआ कुआं देखा जो लोगों की पानी की आवश्यकता को तो पूरा करता था, लेकिन उसके ऊपर के डिजाइन को देखकर उस प्राचीन काल की याद आ गई जिस प्राचीन काल में लोग राहगीर मददगार जब यहां से गुजरा करते थे तो अपनी पानी की आवश्यकता को इसी जगह से पूरा किया करते थे। दोस्तों, हर बार की तरह एक नया पॉइंट हमने आज फिर कवर किया और अगली वीडियो आपके समक्ष बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं।